एशियानेट न्यूज पर आप देख रहे हैं वायरल खबरें। बच्चे को बचाने के लिए एक के बाद एक गड्ढे में गिरे चार हाथी, चारों की दर्दनाक मौत। थाईलैंड के राष्ट्रीय उद्यान में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है, जिसमें हाथियों का एक झुंड पानी में बह गया। इस घटना में छह हाथी डूब गए, जिनमें से वन अधिकारियों ने दो हाथियों को बचा लिया है। इस स्थान को नरक का खड्ड भी कहा जाता है। अधिकारियों ने बताया कि दो हाथी अपने मृत बच्चे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद वन कर्मियों ने उनकी मदद की और उन्हें खड्ड से बाहर निकाला। वर्ष 1992 में भी आठ हाथियों की मौत इस गड्ढे में गिरने से हुई थी। नदी में गिरने से बाल बाल बची कार, पुल टूटने से हुआ हादसा। गुजरात के जूनागढ़ में एक पुल के ढह जाने से रास्ते पर गुजर रही चार कार नदी में गिरने से बाल बाल बच गई। हादसे में वाहनों पर सवार कई लोग घायल हो गए और वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। राहगीरों की मदद से मुसीबत में फंसे लोगों को बचाया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बर्फबारी में गरबा करते भारतीय सैनिक, केंद्रीय मंत्री ने ट्विटर पर किया शेयर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट से भारतीय सेना के जवानों के गरबे करने का एक वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो महानवमी और दशहरे को समर्पित किया है। वीडियो में भारतीय सेना के जवान बर्फबारी के बीच गरबा नृत्य करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा कि भारतीय सेना के जवानों पर गर्व है, जो 0 डिग्री टेम्परेचर में भी गरबा करके नवरात्र मना रहे हैं। यही भावना तो भारत को अजय बनाती है। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। एक मिनट में बुजुर्ग महिला ने खाई 6 इडली, प्रतियोगिता में जीता पहला इनाम। कोई भी एक मिनट में कितनी इडली खा सकता है? ज्यादा से ज्यादा एक या दो। इससे अधिक इडली खा पाना शायद ही किसी के लिए संभव हो। लेकिन कर्नाटक के मैसूर में आयोजित एक प्रतियोगिता में 60 साल की एक महिला ने एक मिनट में 6 इडली खाकर सबको हैरत में डाल दिया। इडली खाने की उसकी स्पीड को देखकर सभी हैरान रह गए। महिला इस प्रतियोगिता में विजय घोषित की गई है। एक्टर अर्जुन कपूर और MS धोनी का दिखा फुटबॉल प्रेम, वीडियो हुआ वायरल। मुंबई में बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर और क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी फुटबॉल खेलते नजर आए। इस फ्रेंडली फुटबॉल मैच में एक्टर डीनू मौर्या, समीर कोचर, टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस और फिल्म मेकर शशांक खेतान भी देखे गए। ये मैच मुंबई के जुहू में 6 अक्टूबर को जमनाबाई नरसी प्लेग्राउंड में खेला गया। वायरल खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।